क्लास 11 मैथ्स 1 में हम लोग आज 6 चैप्टर सर्कल ये स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। बट ये सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है सर्कल से रिलेटेड, वो सीख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सर्कल क्या होता है उसकी बेसिक बातें जो है आपको पता ही है, 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है। सर्कल, सर्कल की पहचान उसके सेंटर से होती है। सेंटर अगर ओ या सी है तो यहाँ पर हम लोग एच कॉमा के ये हमेशा मान लेते हैं। जब भी सेंटर होगा सर्कल का उसे एच कॉमा के से डिनोट करना। सर्कल के सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप ज्वाइंट करते हो तो सपोज ये ए है सी ए, सो ये रेडियस हो जाता है। तो इस तरह से एक सर्कल होता है उसमें रेडियस, एंड अगर पूरा ज्वाइन किया रेडियस से तो ये डायमीटर होता है। डायमीटर जो होता है वो 2 times रेडियस होता है। कुछ बेसिक बातें होती है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस 2πr। तो ये जो है आपको पहले से पता है। अब ये जो सर्कल चैप्टर यहाँ पर है, 10th में भी था, 10th में जो कंसेप्ट था पूरा सर्कल का बेसिक कंसेप्ट था। यहाँ पर अब हम पूरा जो चैप्टर है उसमें इक्वेशन जो होते हैं, कोई भी सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसमें डील करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है 10th में आपने सीखा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, देर इज एनी स्ट्रेट लाइन देन इट्स इक्वेशन विल बी 2x + 3y = 7। ऐसा कुछ इक्वेशन होगा, ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 variables, x और y 2 variables होते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक इक्वेशन अगर ऐसा है x² + y² = 25, तो ये इक्वेशन जो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो जो सर्कल होते हैं उसके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के इक्वेशन हम शो कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फॉर्म है जिस फॉर्म में हम सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, देन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब ये सब क्या है ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसमें कि ओरिजिन है ओ 0, 0, दिस इज ओरिजिन। अगर कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर, ये जो सेंटर होता है दिस सेंटर, सेंटर लाइज ऑन दिस ओरिजिन, यानी कि जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर ही है, तो ऐसे सर्कल को हम स्टैंडर्ड सर्कल बोलेंगे और इसका जो इक्वेशन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यहाँ पर हम दो दो जो सेंटर रेडियस फॉर्म है उसको भी देखो साथ में डिस्कस करते हैं। सेंटर रेडियस फॉर्म मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहीं पर भी है, इस तरह से कोई एक सर्कल है इसका सेंटर है सी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो ये स्टैंडर्ड सर्कल है जो सेंटर है इसका सी ओरिजिन के ऊपर ही है, बट यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहीं भी हो सकता है, इस ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर सेंटर रेडियस फॉर्म होता है वो क्या है देख लो। अगर हम यहाँ पर इसका रेडियस ड्रॉ करते हैं सपोज ए, और ये सी है एच कॉमा के, एंड ए है एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, तो ये रेडियस होता है सेंटर रेडियस फॉर्म। मतलब जो सर्कल है उसका सेंटर अगर पता है, उसका रेडियस पता है, तो उसका फॉर्म कैसे होगा? तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में था, सी ए, सी ए डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट, सी ए इज रूट एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर। कैसे किया ये, ऐसे करते थे x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर, वैसे ही किया x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर। अब ये सी ए है, सी ए, सी ए इज आर रेडियस, ये जो रूट है इस तरफ आया तो आर स्क्वायर हो गया, रूट आया तो स्क्वायर हो गया, एंड इट बिकेम x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को उस तरफ लिख दो। सो दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म, ये याद रखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे। जो सेंटर होता है उसमें सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एच, वाई कोऑर्डिनेट के, तो यहाँ पर एच और के की जगह पर सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो लिखना, और ये जो रेडियस है वो वैल्यू यहाँ रखना, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा सर्कल का। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने अभी देखा कि इसका जो सेंटर है वो सर्कल के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके ओरिजिन पर होता है, यानी सेंटर होगा 0, 0। अभी कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, सपोज ए एक्स कॉमा वाई, इट्स रेडियस इज आर। इन द सेम वे अगर ये इक्वेशन हम लोग ये जो ट्रिक है वो अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें ये मिलेगा, कैसे होगा देखो, इस फॉर्मूले से देखते हैं एक्स माइनस एच, एच और के क्या है देखो, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर तो 0, 0 है,
मतलब जो एच और के है वो जीरो जीरो है, यहाँ पर एच और के जीरो रखना, एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर एंड वाई माइनस के मीन्स वाई माइनस जीरो द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस जीरो इज एक्स द होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो इज वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन मिला ये तब होगा जब सेंटर ओरिजिन पर होगा जीरो जीरो। सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में दिया हो कि देर इज अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन, यानी कि वो स्टैंडर्ड सर्कल है, उसका इक्वेशन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आएगा। अगर कोई एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर जो है एच कॉमा के में है यानी जीरो जीरो नहीं है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करना आएगा। नाउ लेट्स गो टू डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म देखो, कोई भी अगर सर्कल है इसके ऊपर एक डायमीटर है ए बी, ये पता है ए और बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, और कोई एक पॉइंट है पी अननोन एक्स कॉमा वाई है, तो इसका इक्वेशन इस डायमीटर फॉर्म में, सिर्फ डायमीटर पता होगा तो कैसे करेंगे। देखो ये जो एक्स है, एक्स माइनस एक्स वन करना है आपको इंटू एक्स माइनस एक्स टू करना है, मल्टीप्लाई कर देना उसको, प्लस यहाँ पर जो वाई है वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन आपको मिल गया ये डायमीटर फॉर्म है, इसको याद रखना। जब भी डायमीटर दिया होगा तो आप लोग ये इक्वेशन यूज करोगे, बहुत ही ईजी है ये। अब फाइनली जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, देखो यहाँ पर ये जो चैप्टर ये सीखने के लिए ये जो मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म बताए, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म एंड डायमीटर फॉर्म, ये आपको 6.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। ये अगर तीनों इक्वेशन के फॉर्मूले जो मैंने बॉक्स में दिए हैं ये आप याद कर लो, आपको 6.1 अपने आप आ जाएगा। अभी 6.2 के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है कि कोई भी एक सर्कल है जिसका इक्वेशन समझो ये है स्टैंडर्ड सेंटर रेडियस फॉर्म, इसको अगर एक्सपांड करते हैं ए माइनस बी द होल स्क्वायर करके, जैसे एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आपको 6.2 में ऐसे इक्वेशन मिलेंगे सर्कल के जो इस फॉर्मेट में होंगे। तो अब इस इक्वेशन के अंदर सेंटर क्या होगा, जनरली सेंटर होता है एच कॉमा के, बट इस इक्वेशन के अंदर जो जी और एफ की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, माइनस जी माइनस एफ, तो ये सेंटर होगा। रेडियस फाइंड करना है तो हो जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपको मिल गया एक सेंटर और एक रेडियस, ये हमको सीखना है एक्सरसाइज 6.2 के अंदर। तो हम ये बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म एंड डायमीटर फॉर्म, इसको याद कर लो। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ, यहाँ पर 4 सब क्वेश्चन हैं, सिमिलर है सब कुछ। चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर इस तरह से आपको लिखना है, ओरिजिन मतलब 0.0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 4। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी सेंटर अगर ओरिजिन पर है एक्स वाई इस तरह से, अगर सर्कल है ओरिजिन पर सेंटर है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला था यहाँ से सेंटर रेडियस फॉर्म वो भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट करेंगे अगर तो ऐसे होगा बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देखते हैं क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, आर इज 4 तो 4 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज व्हाट 16। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इतना ही करना है। ये सेंटर ओरिजिन है इसलिए सिर्फ रेडियस का यूज करके डायरेक्ट करना है। सेम क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर सेंटर ओरिजिन नहीं है कुछ दिया है एंड रेडियस दिया हुआ है। सो चलो मैं सेकेंड वाला आपको बताता हूँ। सेकेंड का सोल्यूशन, सेंटर इज गिवन, सेंटर -3, -2 एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 6। जब भी आप सेंटर लिखते हो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो ये 3 डैश करना होता है इक्विवेलेंट इस तरह से। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो रेडियस और सेंटर पता है, जब भी सेंटर और रेडियस पता हो तो आप लिखते हो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। यहाँ पर आप करोगे एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सेंटर रेडियस फॉर्म। एक्स माइनस एच, एच यहाँ पर देखोगे ये फर्स्ट जो है एच है और ये के है,
तो x माइनस एच एच माइनस थ्री है, y माइनस के के इज माइनस टू और r रेडियस इज सिक्स। इसको आगे अगर सॉल्व करना है तो ये x माइनस माइनस x प्लस थ्री हो जाएगा x प्लस थ्री स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y प्लस टू स्क्वायर एंड ये सिक्स स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये इक्वेशन इसका हो जाएगा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया है इसको हम और एक्सपांड करके जो मैंने अभी जनरल फॉर्म यहाँ पर बेसिक में बताया था उस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री, टू थ्री जै सिक्स एक्स प्लस थ्री स्क्वायर नाइन। फिर इसको भी a प्लस बी द होल स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर प्लस टू टू जै फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू 36। तो अब ऐसे लिखना होता है हमेशा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन एक्स देन वाई, तो ये सिक्स एक्स है देन फोर वाई है देन कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म क्या, देखो नाइन और फोर थर्टीन, थर्टी सिक्स इस तरफ आया तो माइनस थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स थर्टीन माइनस थर्टी सिक्स तो हो जाएगा माइनस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो आया है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस तरह से आपको लिखना चाहिए लास्ट में, हर बार यहाँ भी लिखना था क्वेश्चन नंबर वन जब फिनिश हुआ था, ओके आर इज इक्वल टू सिक्स था यहाँ, तो हर बार ये आपको लिखना चाहिए। तो अब जो फर्स्ट हो गया यहाँ पर आपने देखा ओरिजिन था, अगर इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते तो भी चलता, एच और के बदले जीरो जीरो रखना पड़ता है, बट वो ओरिजिन है डायरेक्ट यूज़ करो स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड जैसा ही है, इसमें भी सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया है, तो इस मेथड से सॉल्व करना। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ये देख लेते क्या है, थोड़ा अलग है फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। सेंटर एट माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री पासिंग थ्रू पॉइंट माइनस थ्री कॉमा सिक्स। आप एक सर्कल बना लो इस तरह से और सेंटर जो है सी माइनस थ्री है और एक पॉइंट है जहाँ से सर्कल पास हो रहा है माइनस थ्री कॉमा माइनस सिक्स। पीछे का जो क्वेश्चन था यहाँ पर सेंटर के साथ रेडियस दिया हुआ था, बट ये सेंटर पता है रेडियस तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो रेडियस है यहाँ पर देखोगे सी और ए दोनों पता है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा, दिस इज रेडियस, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप रेडियस पहले फाइंड करो। तो सॉल्यूशन में क्या करते, देखो पहले आप लिख लो सेंटर माइनस थ्री है, दिस इज एच कॉमा के, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यू विल राइट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो सी ए रेडियस इज इक्वल टू रूट माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री माइनस ये माइनस थ्री, तो ये प्लस थ्री हो गया इसका स्क्वायर, प्लस माइनस सिक्स माइनस वापस माइनस थ्री यानी प्लस थ्री हो गया उसका स्क्वायर। सी ए इज इक्वल टू रूट, दिस इज जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री स्क्वायर एंड दिस विल बिकम जीरो स्क्वायर इज जीरो माइनस थ्री स्क्वायर इज नाइन। सो सी ए यानी कि जो रेडियस है वो आ गया रूट नाइन इज थ्री। ओके आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो दिस, ऐसे सी ए आर इज इक्वल टू रूट नाइन इज थ्री। सो आर मिल गया, सेंटर मिल गया, अब जो पीछे के क्वेश्चन जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऐसे लिखोगे आप। बाय सेंटर रेडियस फॉर्म क्या था, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो x और y है उसको वैसे ही रखो, x और y, h और k की वैल्यू चेंज करो, x माइनस एच, एच कहाँ पर है देख लो, h ये रहा माइनस थ्री, तो माइनस माइनस थ्री द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k इज ऑल्सो माइनस थ्री, r, r इज थ्री, सो थ्री स्क्वायर। एक्सपांड करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस थ्री द होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस थ्री द होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर नाइन हो गया। एक्सपांड करो ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स एक्स प्लस थ्री स्क्वायर नाइन, वाई स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन। नाइन उस साइड है उसको इस तरफ लेके आओ तो माइनस नाइन हो गया। आगे देखेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस ये नाइन और माइनस नाइन जीरो हो जाएंगे, ओनली वन नाइन रह जाएगी। सो इस तरह से हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो मिल गया। ऐसे सॉल्व करना है, अभी आपने देखा हमने सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज़ किया, और अगर अगर रेडियस नहीं पता है तो हम पहले रेडियस फाइंड करके फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आपने तीन फॉर्म सीखे थे उन फॉर्म्स के हेल्प से हम लोग ये करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। करना क्या हमें,
जो सर्कल है इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो आपको हर बार कंपेयर करना होगा जो इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है, सो कंपेयरिंग विथ, इस तरह से आप लिखते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ये आप करेंगे। इसको कंपेयर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जो आर है यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू रूट 25, प्लस और माइनस दोनों होगा, बट ये जो रेडियस है निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव लेना। सो रेडियस इज 5 यूनिट, यू कैन राइट और ओनली 5, इस तरह से करना आर इज इक्वल टू 5। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपको पता है जो सेंटर है वो 0 0 होता है, ओरिजिन होता है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला जो है इस तरह से सेंटर और रेडियस हमने फाइन कर लिया। जो दूसरा वाला देखो यहाँ पर, इसको भी सेम ऐसे करना है, कंपेयरिंग विथ सेंटर रेडियस फॉर्म। इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में आएगा कि ये सेंटर रेडियस फॉर्म है, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल कैसे होता है देखो, x माइनस एच द होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर और यहाँ पर r स्क्वायर होता है। कंपेयर करोगे x माइनस एच, x माइनस फाइव, एच की जगह पर 5 है, एच इज इक्वल टू 5, वाई माइनस के, वाई माइनस 3, के की जगह पर 3 है, के इज 3, आर स्क्वायर इज 20, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इस तरह से। सो अब देखो सेंटर होता है एच कॉमा के, सेंटर इज वॉट एच कॉमा के, सो सेंटर एच 5 के 3, सेंटर आ गया। रेडियस यहाँ से देखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, आर इज रूट 20, और रूट 20 क्या होता है 5 इंटू 4, सो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 रेडियस इतना यूनिट। तो इस तरह से सेंटर रेडियस यहाँ भी आ गया। अब फाइनली ये देखो, ये सिमिलर है दोनों, ये और ये सेंटर रेडियस फॉर्म में है, इसी तरह से करना है। सो आप करोगे बाय कंपेयरिंग विथ सेंटर रेडियस फॉर्म, ऐसे लिखना, फिर x माइनस एच द होल स्क्वायर, y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो h की जगह पर देखो 1/2 है, k वैल्यू इज k, देखो यहाँ ध्यान से देखो ये माइनस k होता है तो यहाँ पर प्लस 1/3 है, यानी कि k है ना वो माइनस 1/3 है, माइनस के इज इक्वल टू 1/3, ऐसे समझो, माइनस एच इज माइनस हाफ, तो माइनस माइनस छोड़ा तो एच हाफ, माइनस के इज प्लस 1/3, ये माइनस है, ये माइनस होना चाहिए था बट प्लस है, यानी के जो है निगेटिव में है, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36, तो आगे आपका सेंटर एच कॉमा के, सेंटर इज एच हाफ है कॉमा है हाफ और माइनस 1/3, और रेडियस आ जाएगा रूट 1/36, रेडियस 1√1, 36√6 यूनिट, इतना आप लिख सकते हो ऐसे। तो इस तरह से आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, जो बहुत ही इजी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर। यहाँ पर 4 सब क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3 और एक 4 है, तो देखते हैं पहला और दूसरा सेम है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर, यानी ये सबसे पहले सेंटर दिया हुआ है, ए कॉमा बी है टचिंग द वाई एक्सिस, यहाँ सेकेंड वाला है, ये सेंटर है, सेकेंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर इज -2, 3 एंड टचिंग द एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो कैसे है, क्या करना है देखो, 1, 2, 3 ये आ गया -1, -2, -3 1, 2, 3 क्या सेंटर है देखो -2, 3 यहाँ पर कैसे आएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -2x पर देखना -2 और y पर 3, तो ये रहा पॉइंट। अब ये हमारा सेंटर है, अभी सेंटर से और क्या है देखो, सर्कल विथ सेंटर दिस टचिंग द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए और यहाँ से ये इसका सेंटर है, तो इस तरह से एक सर्कल होगा, ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है और इसका सेंटर यहाँ पर है। अब हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इसका रेडियस आएगा, ये रेडियस जो है यहाँ से इसको सेम होगा, ये जो है इसका, अब ये जो ये डिस्टेंस है y का जो डिस्टेंस है ये सेम होगा, y पर जो कोऑर्डिनेट है 3, तो इसलिए टचिंग द x एक्सिस है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट क्या है देखो 3, सो रेडियस डायरेक्ट लिखना 3, ये ध्यान रखो कैसे आया, फिर से देखो, टचिंग द x एक्सिस है, x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका जो रेडियस है, इसके y पर जो वैल्यू है डिस्टेंस ये, यानी y कोऑर्डिनेट क्या है 3, वो रेडियस होगा।
सेम वैसे यहाँ देखो ये सेंटर अगर है सेंटर तो टचिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पर रेडियस क्या लेने वाले हम लोग दोनों में से, जो वाई को टच कर रहा है तो एक्स वाला वो रेडियस है ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेंटर और रेडियस हमें पता चल गया। अब आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म डायरेक्ट यूज़ करो और आपको जो है इक्वेशन मिल जाएगा। क्या था वो, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन था। एक्स माइनस एच, एच माइनस टू है द होल स्क्वायर, वाई माइनस के, के थ्री है, आर, आर इज थ्री स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री द होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर नाइन। इसके बाद जैसे आप एक्सपेंड करते वैसे ही करो, कैसे करोगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, फिर ये भी वैसे ही हो जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू टू ज फोर एक्स प्लस फोर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू थ्री ज सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू, ये नाइन इक्वल के इस साइड आ गया तो माइनस नाइन, ये आ गया एक्स स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद वाई स्क्वायर रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है याद रखो हमें जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई फोर, अब ये नाइन और नाइन मिलके जीरो हो गए और प्लस फोर यहाँ पर आ गया। तो अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको डरना नहीं है, उसको आप डायग्राम बना के देख लो। आपको कभी भी याद रखना है एक सेंटर और एक रेडियस पता करना है कैसे भी, तो हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जहाँ माइनस टू थ्री है वहाँ पर ए और बी रखना है और ऐसे ही एक्सपांड कर देना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग रेडियस फोर, अब फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते ऐसे क्वेश्चन में आपको जो एक्सिस वगैरह होता है तो ड्रॉ कर लेना चाहिए। ऑन द एक्स एक्सिस है यानी कि यहाँ से क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, यानी जो सर्कल है उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर है कहीं तो है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग रेडियस फोर, यानी हमारा जो सर्कल है ये इस ओरिजिन से पास होता है और इसका रेडियस फोर है, मतलब यहाँ से ये अगर जीरो है सो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और ये माइनस फोर होगा। ओके, ये इसका रेडियस है, हम लोग बोल सकते हैं माइनस फोर कॉमा जीरो इसका जो सेंटर है क्योंकि इसका रेडियस फोर है, यहाँ से यहाँ रेडियस फोर है। बट यहाँ पर ये नहीं बोला है कि वाई एक्सिस के राइट साइड में है लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे और एक सर्कल राइट साइड में भी कंसिडर करने वाले हैं ऐसा बिल्कुल, और राइट साइड में भी फोर यूनिट वन टू थ्री फोर यूनिट पर एक सेंटर होगा, ये हो जाएगा प्लस फोर कॉमा जीरो, ये माइनस था। तो अब हमारे पास दो दो सेंटर मिल गए, जो हमको सर्कल पूछा गया है विथ सर्कल विथ सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर होना चाहिए एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होना चाहिए यहाँ से हैविंग रेडियस फोर, तो ऐसे दो दो सर्कल होंगे। तो अभी हमको दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, सेंटर माइनस फोर कॉमा जीरो और सेंटर फोर कॉमा जीरो ये लेने वाले हो, रेडियस इज इक्वल टू फोर यूनिट, या यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो आप बाय सेंटर रेडियस फॉर्म करते हो और बाय सेंटर रेडियस फॉर्म एक बार सेंटर ये लेना और रेडियस ये लेना, फिर दूसरी बार में सेंटर ये और रेडियस ये लेना, दो इक्वेशन आएंगे और ये आप खुद से सॉल्व करो थर्ड वाला। चलो इसके आगे हम लोग फोर्थ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर फोर्थ सब क्वेश्चन जो है ये देख लो थोड़ा अलग है, सेंटर एट 3.1 एंड टचिंग द लाइन 8x - 15y + 25 = 0, यानी अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो एक सर्कल है इस तरह से, इसका सेंटर है 3.1, दिस इज द सेंटर एंड ये जो लाइन है ये सर्कल है, इसको एक लाइन जो है 8x - 15y + 25 = 0, ये सर्कल इस लाइन को टच करके जाता है, यानी ये टेंजेंट है। तो अब देखो मैंने आपको बताया हमेशा सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर तो पता ही है 3.1, बट इसके साथ रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस तो नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये ए है सी ए, तो अगर ये सी ए डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोगों को रेडियस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन का, कि अगर कोई एक पॉइंट है उस पॉइंट का किसी भी एक लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड करना, उसके लिए क्या ट्रिक है देखो, हम ऐसे करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस,
या तो आप यहां पर लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे आ जाएगा, देखो ये सी ए है, ये मॉड इस तरह से हो जाएगा अपॉन ये जो इक्वेशन होता है ना, ये यहां पर लिखना होता है 8x-15y प्लस, ध्यान से देखना मैं इसमें भी चेंज करने वाला हूं, ओके और रूट देखो ये x और y को मैं चेंज करने वाला, ध्यान से देखना ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो छोड़ के यहां रखना, और जो x और y के कोएफिशिएंट है 8 उसका स्क्वायर प्लस ये जो -15 है उसका स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया, और ये रूट में रखना है अपॉन में, ये एक फॉर्मूला होता है। यहां पर जो x है ये x के बदले आपको ये x 3 लेना होता है यहां पर, और ये जो y होता है y उसकी जगह पर आपको ये y कोऑर्डिनेट लेना है, तो ये क्या हो गया इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस आ गया। देन इसको आगे कैसे करेंगे, देखो सी ए इज इक्वल टू मॉड 8 3 24 -15 + 25 अपॉन ये हो जाएगा रूट 8 2 64 + 225 मॉड, इसको और सॉल्व करते हैं 24 और ये देखो 24 और ये प्लस 10 34 आ गया, 225 और 64 रूट 289 हो गया। सी ए यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 34 अपॉन रूट 89 17 होता है, ओके और ये प्लस में लेना है, मॉड का मतलब ये प्लस माइनस दोनों होगा तो प्लस ही लेना, तो 17 2 34 सो रेडियस इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमें रेडियस मिल गया 17 2 34 रेडियस 2 मिल गया, सो नाउ रेडियस इज 2। किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस मिल जाए तो हो जाए, कैसे हो जाए बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। आप यहाँ पर और एक लाइन लिखते हो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, हर बार ये लिखने का इक्वेशन ऑफ द सर्कल बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, जो फॉर्मूला है वो लिख दो x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हर बार आपको लिखना है। अब जो x होता है और यहाँ जो y होता है उसको वैसे ही रखना चाहिए, माइनस h, h मतलब ये देखो यहाँ सेंटर में पहले h होता है बाद में k, h 3 है k 1 है 3 और यहाँ पर माइनस k 1, r रेडियस इज 2। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 9 ए माइनस बी द होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y + 1 टू स्क्वायर इज 4। सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर रखो फिर x वाला माइनस 6 है फिर माइनस 2y 9 1 10 4 इधर आया तो 10 - 4 तो +6 इज इक्वल टू 0। फाइनली आप लिखते हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।